भी है, और आज इन्हों बोल रहे मैं बनाती हूँ दोषी। गाइस आज इनको एकदम सर पे चढ़ेवा है। हाय, सलाम अलैकुम। तो आज इनको खाना दिल भर रहा दोषे, एंड इनके फेवरेट भी है, और आज इन्हों बोल रहे मैं बनाती हूँ दोषी। देख सकते हैं आप लोग, दोषे दोषा लवर है ना, बहुत बड़े अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो इफ्तार हो गई अपनी, तो ये दोषा इफ्तारी है। हो गई। बस इफ्तारी में हम लोग ज्यादा नहीं खाए थे, आज फ्रूट्स खाए थे, बस भूख लग रही तो इन्होंने आज डोसा बनाए। देखो कैसे जबरदस्त दोषे हैं। आटा तो मैं बनाई थी, बट इन्होंने डोसा डाले। दोषे डाले ना अपन यस। तो तो खा गाइस आप लोग से ना खा के के मिलेंगे। मिलेंगे। अच्छा एक वाला खा लो, फिर अपन खा के मिलेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। आप लोग भी खातेगा? खा रहे, ये लो खा। इधर बन रही चाय, चाय पिए बाद में आप लोग से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है, ठीक है? तो ज़रूर सुनो। और गाइस मैंने एक चीज़ बोलना चाह रही थी मैं आप लोग को, बाहर से कुछ भी आप लोग परचेस करके, मतलब सौदा वगैरह कुछ भी लेके आते ना, फर्स्ट सैनिटाइज ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से करो, किसमें वायरस आ रहा नहीं मालूम हो रहा, ठीक है? तो उसको सैनिटाइज करो। तो लास्ट ईयर हम लोग बताए थे देखो कैसा करना सैनिटाइज, और वो व्लॉग्स भी है, वो भी जाके देख सकते हैं आप लोग। तो बस स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और स्टे होम। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग की इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। इफ्तारी का हम लोग ब्लॉग इसलिए नहीं बना सके बिकॉज नहीं बनाए, मतलब नहीं बनाए, बस उसका कुछ बस रीज़न नहीं है। लास्ट ईयर बहुत बना दिए तो तो ये नहीं बनाए हम बस लोग, हाँ, एक नॉर्मली बस खा लिया। नॉर्मली था, फ्रूट्स थे। यस कुछ नया रेसिपी डिश रहा तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो फ्रूट्स यस थे, हलीम थी, ये वो खा लिए, खा लिए। और यस दोषे थे इनके डिमांड वो से। तो देखे ना आप लोग, तो इनको वो 2 दिन 3 दिन में दोषे होना ज़रूरी रहता यस हमारे पास, यस एकदम मतलब उससे क्या एक अलग फील आता भाई, फील पेट आता भी है, भरता, एक अच्छा दिखता। एक और अलग उसके साथ फील में ना आता। कोकोनट की चटनी, वाह जबरदस्त रहता। तो वो इनो हेल्प कितने करे, मैं 4 खाया का अंडे वाला? अंडे वाला एक्स्ट्रा, उसको काउंट नहीं करना अंडे वाला एक्स्ट्रा मजाक कर रही रहता। हूँ। इनको यस पसंद है बोल के, इनको और अली को पसंद। अली यस उसको दोषे को क्या बोलते, चिच्चा चिच्चा। अली दोषे का नाम चिच्चा रखे। तो अली को और इनको दोनों को बहुत पसंद दोषे घर में ज़्यादा से ज़्यादा। तो और हम लोग के पास जो गर्ल्स है वो लोग को तो रोटी पसंद, जैसा यस हैदराबादी स्टाइल रोटी, अंडा, गोश्त, कलेजी, मेरे को भी रोटी नॉन पसंद, वेज। लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा मतलब इजी दिखता ज़रा, मतलब खाने में भी। और बिजी दिखता वो रोटी, रोटी बता चबाना पड़ता इनको, दाता नहीं। में क्या मालूम, स्टार्टिंग से एंड तक एक ही टेस्ट रहता भाई, एक ही टेस्ट फीका रहता। फीका। दोषे में वो बता अलग दोसे अलग आता, में हर निवाले में अलग टेस्ट आते रहता। तो वैसी थी हमारी इफ्तारी किसको तो किसको आता, हर एक निवाले में हर एक टेस्ट जरूर कमेंट करो हाँ गाइस। भाई, इनको नहीं मेरे आता को का देख, मैक्सिमम मैं हर तर चीज़ मैं को नहीं देखी, जाना मैं आपके खा के दोषा वीडियो के एंड के बाद में एक दोषा डाल के खा के देखूंगी मैं, कितने टेस्ट आते, कितने एक रंगा आते सुनो नहीं, उसमें। एक एक टाइम निवाला इधर साइड से खाओ, दूसरी बार इधर साइड से खाओ, तीसरी बार अंदर से खाओ, ऐसा अलग अलग जगह से खाओ, अलग अलग टेस्ट आता। यस गाइस हो गई थोड़ी मजाक मस्ती, तो आएंगे अब मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट ये बोलना चाह रहे हम लोग गाइस, तो माहौल बहुत ख़राब हो रहा, बहुत ही ख़राब हो रहा अपने इंडिया में। इंडिया का हाल बहुत ख़राब हो गया गाइस, पूछो न को यार, इतना ख़राब हो गया। मेरे को कल मैं बोली थी ना आप लोग को, DM करो मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो इंशाल्लाह दुआ करूँगे, वैसा बोले ना, इतने सारे मेरे को DM आए कल। तो एक एक जनों के एक एक ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है गाइस, बोल नहीं सकती मैं। अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी कहाँ की चले जाते, उन लोग के मैसेज आए मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आया। तो मैं सोची चलो आज क्या व्लॉग बनाएंगे, आज थोड़ा बात भी करेंगे एंड आप लोग को थोड़ा समझाएंगे, जैसा आप लोग हमारी मतलब हमेशा। तो एक एक बार कैसा हो जाता मालूम फ्रेंड्स, हम लोग को ब्लॉग बनाने का दिल रहता, शौक रहता, लेकिन हम बना नहीं सकते मजबूरी से, यस बिकॉज आज जो हुआ हमारे साथ ऐसी, यस कल के जो DMs आए वो सब चीज़ों को मतलब माइंड में रख के ना, अरे यार अपने सब्सक्राइबर्स के इतने सारे घरों में इतने सारे प्रॉब्लम्स परेशानियाँ, है। मतलब उन और आप लोग लोगों एक बात गौर कर रहे होंगे हमारे व्लॉग्स में, हम लोग ज़्यादा कुकिंग का और इफ्तियारी का, लास्ट ईयर का और ये ईयर का
देखो कितना कम दिखा रहे हैं हम लोग, बिकॉज बहुत जनों के घरों में खाने नहीं है, वो नहीं है, तो अपन ये सब दिखा के अच्छा आराम से बैठ के खा रहे तो अच्छा नहीं। जब जब मैं कुछ डिफरेंट बना रही हूँ तो वो शेयर कर रही हूँ, बिकॉज अपना चैनल भी, अपने को भी कुछ काम करना ज़रूरी रहता, उसके वजह से मेरे को दिखाना पड़ता गाइस, नहीं तो मैं ये रमज़ान में दिखाऊंगी नहीं सोची थी, बिकॉज एक एक जनों के घर में खाना नहीं है, पानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स है गाइस, हेल्थ इश्यूज भी है किसी किसी। बस कल के डीएम्स देखे बाद में तो सीरियसली मैं बोला यार अपने सब्सक्राइबर्स इतने सारे लोग हैं, इतने सारे परेशानियां हैं, सीरियसली लोग जो है घर में यार एक एक घर में एक एक जनों को वायरस आ गया, कोविड आ गया, बोल नहीं सकते, ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए, वो लोग पैनिक हो जा रहे, मतलब पैनिक ऐसा चीज़ हो जा रहा कुछ। पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक बात बोलते हैं, अगर घर में ना टेंशन आ कुछ भी रह दो, जैसे जॉब नहीं रह दो या किसी की कमाई में कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस है भाई, किसी के भी फैमिली में कुछ भी मतलब पैसों की तंगी है, तो वो चीज़ को जो है ना, जो अपने घर के बड़े लोग रहते हैं लाइक मम्मी डैडी कोई भी रहते ना, चिच्चा नानी दादी जो भी बड़े, तो प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वो लोग के सामने ये चीज़ आप नक्को बोलो, पैनिक हो जा रहे, तो हमारे बहुत सब्सक्राइबर के लोगों के पास ये प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से हम लोग ये बोल रहे हैं, तो पैनिक हो जा रहे। पहले ये वायरस की वजह से वो लोग न्यूज़ आ देखते बड़े जने, वो एक दिमाग में रह रहा उन लोग के, एंड ऊपर से पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, मैं को ऐसा सुनाते बेटा है, अब कोई भी रहें तो सुनाते, माँ को सुनाते, अब घर में डिस्कशंस चलते हैं भाई, वो डिस्कशंस में क्या हो जाता है तो थोड़ा नक्को सुनाओ यार, अगर बाहर का माहौल अच्छा रहता तो आप सुनाते तो भी चलता था, बट बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, वो पहले लोग न्यूज़ में उसमें देख रहे होंगे, फिर ऊपर से ये अपन फैमिली पर्सनली ये बातें रखे तो लोग और भी पैनिक हो जाते, पैनिक अटैक ज़्यादा हो रहा गाइस, प्लीज़ पैनिक अटैक मतलब एकदम वो वायरस आ गया, टेंस हो जाना, टेंशन में आ जाना। एक्चुअली वायरस से मैक्सिमम लोग तो ठीक है, वो तो अलग है, उससे जो मॉर्टेलिटी हो रही है, पैनिक अटैक से भी ज़्यादा जनों की मॉर्टेलिटी हो जा रही है, मतलब डेथ हो जा रही है, तो वो भी चीज़ है। पैनिक से ज़्यादा लोग मर जा रहे, तो लोग के वास्ते मैं बोलना चाह रही हूँ, प्लीज़ कुछ भी है ना लाइट लो, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह है, जैसा मौत आना है आती, जैसा जाना है जाती, बट ले लो। तो ये चीज़ से मैं भी गुजरी, बिकॉज मैं मम्मी का ऐसा हुआ था ना, मैं भी ऐसे सोच में चले गई थी, फिर बाद में मेरे को एक हिम्मत आई, मेरे ब्लॉग्स में देख के बहुत हिम्मत आई, तो अपने को हिम्मत हारना नहीं है, अपने को कुछ आगे बढ़ना है, नहीं अपने को एक हिम्मत रखना है, और अपने बच्चे हैं तो अपन ही मेन चीज़ है घर के, आगे बढ़ना है फ्रेंड्स, बिकॉज ये चीज़ है ना, मतलब कब एंड होती है इसका कोई वो नहीं है, तो अब इसको अपन ना आदत कर एक लो, आदत बना लेना गाइस, इसको आदत बना लेना, यस ना, आपको लाइफ आगे जीना है तो को से ईयर में को से मंथ में रेज हो जाता है ये वायरस, नहीं मालूम कुछ भी नहीं मालूम, तो बस अपने को अपने जिंदगी का मास्क सैनिटाइजर जरूरी है, वैक्सीन भी बोल रहे भोजन जरूरी है तो कंपलसरी है लगाना, फिर तो इंशाल्लाह हम लोग भी देखेंगे लगाने के बाद से, सोच रहे हम लोग भी, एंड लगाना ही चाहिए, सोचना क्या है, लगाना ही चाहिए गाइस, तो लगा कौन कौन लगाए ज़रूर कमेंट करना, और गाइस प्लीज़ अपने बड़े लोगों के सामने ना पैसों के बारे में ना घर के टेंशनों के बारे में नक्को बोलो, बिकॉज लोग पहले पैनिक हो जा रहे हैं ये चीज़ों से, तो रिक्वेस्ट है अपने माँ बाप एक दौलत है अपनी, तो लोग को अपन खो दिए तो कुछ भी नहीं मिलता लाइफ, मतलब आगे बाद में अपन कमा लेते, और जो यंग स्टार्स है वो लोग तो वायरस से जीत भी सक रहे और जीत लेते भी, तो ये हम लोग का बहुत रिक्वेस्ट है आप लोग से, तो आप लोग के घर वालों के सामने ज़्यादा न्यूज़ों के बारे में जो वायरल हो रहे सो वीडियोस वो ये सो आ जा रहे हैबत होने की चीज़ें समझ सकते, वो सब चीज़ें नक्को दिखाओ प्लीज़, ये बोलना चाह रही हूँ मैं, जो अपने ग्रुप्स में आते वीडियोस वो ये सब नहीं, नहीं देखो कैसा भी जो होना है वो होता होता, ओके उसके पीछे आप कुछ व्यू न्यूज़ शेयर करके आप लोग घर वालों के साथ तो कुछ होने वाला नहीं है, जो होना है वो तो होता, आप लोग मालूम है सेफ्टी कैसा होना तो वो करो। हाँ और एक भी डीएम ये आया कि वो मेट्स का वो बोलो, हाँ तो कल भी एक मेरे को कमेंट आया, तो काम वालों को भी नक्को लगाओ, बल्कि सही बात है, उन्होंने भी बोल रहे ये बहुत याद रख लो आप लोग, अब देखो मेरे को तो हमेशा काम वालों की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज व्लॉग्स बनाना रहे, तो मैं भी उनको छोड़ दी, मिनिमम 1 ईयर हो गया नहीं, ऑलमोस्ट 1 ईयर के करीब हो गया लास्ट रमजान से नहीं है उन्होंने हम लोग के पास, एक दो दिन आए बस, उसके बाद में एक दो दिन क्या एक हफ्ता ऐसा आए उन्होंने काम वाले, फिर चले गए उन्होंने, हम लोग नहीं रह के डर के मारे,
तो ऐसी है तो रोज काम उन लोग अब जो है ना स्लो काका बताऊंगा अपना या काम स्लोली कर लो। तो उन्होंने एक सही बात बोले, काम वालों को भी नक्को बुलाओ बोले, तो सही बात है, मेरे पास तो नहीं है। यानी तो ऐसा करो आपके एक ने एक ही जनों के पास काम करे ऐसा करो, बिकॉज मल्टीपल लोगों के पास जब जाके काम करके हाँ आते हैं आपके तो पास उसे लोग ले स्प्रेड होने सकते का हैं। ज़्यादा चांसेस रहता कोविड, तो आपके एक के पास रखो, क्योंकि उनका भी पेट अपन जो है ना वो नहीं कर सकते, उनको भी यस इनकम होना है। आप एक के पास ही रख के आप काम करा लो, वैसा क्या होता मालूम है, थोड़ा आपको भी ईजी हो जाता है और वो तो हिसाब आप से वो लोग कर ले पैनिक सकते न हैं। को हो जाओ कुछ भी चीज़ें, अब ये अपने ज़िंदगी का हिस्सा बन गया यार, हाँ बताने कब जाता यस वो ईयर से ईयर डबल आ गया बोल के सुनने यस में आ रहा। यस म्यूटेंट हो गया अभी ये कोविड भी तो देखो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना चाह रही हूँ मैं, अपने पास ना अपने समझ सकते हैं अपने मुस्लिम्स में ये ज़्यादा हो गया, मेरे को लोग का तो नहीं मालूम लेकिन अपने पास ज़्यादा हो गया, जितना मेरे को डीएम्स आए ये सब चीज़ें जो बोल रहे हैं हम लोग पूरे डीएम्स आए सो चीज़ बोल रहे, खून जो बोलते ना वाइट हो गया बोलते ना वैसा हो गया, तो एक को एक पूछ लेना नहीं है, एक का एक वो नहीं करना, तो अल्लाह को ना वो चीज़ बहुत गंदी दिखी, नाराज़ हो गया नाराज़ हो गया अल्लाह अपने लोगों से, अपनी खैरियत अपने कैसे लोग कैसे है ये चीज़ पूछने। अब वो एक के पास पैसा आ गया तो तू कौन है भाई चल, इसके पास पैसा आया तो तू कौन है भाई चल, ऐसा कर लिए यार, तो अल्लाह बहुत नाराज़ हो गया। अल्लाह भेजे कहीं को अपने को जुड़ा के भाई बहन माँ बाप को कहीं कुछ भेजे, एक मिल के रहो एक खुशी से रहो। आजकल ना दवा ये सब तो मतलब ये साइड कर दिया ना, एक रिश्तेदारी एक फैमिली एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, बिकॉज अपन रह रहे एक सोशल सोसाइटी में जहाँ पे जो है ना एक को एक पूछना ये चीज़ें चलते, तो फैमिली जितने भी है ना आप अपने आप जो भी आपके भाई है बहन है बेटा बेटी जो भी है उनसे एक बार बात करो, उससे क्या होता मालूम है दे फील मच बेटर ऐसे यस टाइम्स पे, ऐसे नेगेटिव टाइम्स में। तो अब हर जगह ये वो ये चल रहा ना, ऐसे नेगेटिव टाइम पे क्या है उन लोग को एक अच्छा फील होता है कि अरे चलो मेरे से उन्होंने बात करे मेरे से इन्होंने बात करे एक वो होता। तो देखो अभी क्या है भाई, दे मच्छरों का हाल है भाई, लिटरली यस इंसानों का हाल मच्छरों के जैसा है, मच्छर कितने मरते हैं वो हिसाब से लोग जो है ना पूछ नहीं वो हो सके रहे हैं, इतने हो रहे या हैं। तो बोल नहीं सकते अपन उतने सारे डच हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे है ना वी शुड बी एक सोशल रिस्पॉन्सिबल भाई, बिकॉज अभी देखो ये टाइम पे ना पैसों की या बिल्डिंगों कौन की कितना भी ये कमा चीज़ की लेता बाद ज़रूरत में नहीं कमा है, लेता। ये टाइम पे ना सोशल अफेक्शन की ज़रूरत है। आप दूसरों को पूछो आप यस कैसे है पूछो, वो एक लाइन ना उनको शायद 10-20 हज़ार दे दिए उससे भी ज़्यादा बढ़ के हो जाती है, आप खाली यस इतना पूछो सलाम पॉइंट करके भी कैसे पॉइंट है है, ये तो वो चीज़ है आजकल वो ज़रूरत है भाई कैसे है अच्छे है अच्छा माशाल्लाह, ये वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप 10 हज़ार किसी को पैसा दे क्या के जो है है ना यार, अपन के आज पास कमा हुनर लेते है कल कमा कमाले लेते सकते, कभी भी लेकिन कमा सकते पैसों का अपने कुछ जो नहीं माँ है, बाप और भाई ये भी बहन गारंटी नहीं है कि पैसा आपके पास हमेशा रहने वाला है, रहता राइट? तो यस वो भी हमेशा किसी और के आज पास इनके रोटेट पास है होते कल इनके रहता, पास रहता कल इनके पास है यस आज मेरे उसको पास पकड़ भी नहीं रहता। सकते। तो जो रहने वाली है वो है इंसानियत, सो ट्राई टू बी ह्यूमन, उसके बाद में आप पैसों का वो करो अपने वाइफ्स मेजरमेंट, को भी ऐसे ऐसे ट्रीट करो जैसा यस इन्होंने मेरे को ट्रीट करते हमेशा, बिल्कुल जो भी है तो बिल्कुल इजी लेते, कुछ भी ना हुआ अच्छा हो जाता इंशाल्लाह ऐसा बोलते, तो हम लोग भी ऐसे ही रहते, इन्होंने भी कुछ सोचे तो मैं हमेशा इनका सपोर्ट करती हूँ, ऐसा कुछ भी ना होता जी चलो लाइट लियो अल्लाह है अल्लाह से बिकॉज बड़े, वो कोई मॉरल कुछ भी हेल्प, ना हार्ड जब कुछ आता लाइफ में तो समझ जाओ अल्लाह अपने वास्ते कुछ अच्छा करने वाले हैं, तो समझो ये वायरस जो दे रहे अल्लाह अपने को डबल डिबल, तो कुछ अच्छा होने वाला होगा कुछ अच्छे दिन भी आगे हैं भाई होंगे, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। ना राउंड फिगर वाइट हो गया खून, मैं तो यही बोलती हूँ खून वाइट हो गया, इसके वजह से ना ये सब चीज़ें आप अल्लाह देखने को नाराज़ मिल हो रहे हैं गए। अब इसीलिए, तो समझदार ऐसे लोग हम बहुत जने समझ गए और अपना ज़कात वगैरह हर चीज़ निकाले, तो ऐसे करो आप लोग भी जितना भी है अपने कने 100 रुपये है उसमें से 10 रुपये निकालो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो जिसके पास फैमिली है बड़ी फैमिली है बच्चे हैं तो उन लोगों को जो है ना ऑफकोर्स आप घर में लिमिट करके मतलब रख नहीं सकते मैक्सिमम टाइम, 1 महीना 2 महीने, उसके बाद में बच्चे भी जो है बेजार हो जाते कहीं बाहर जाएंगे ये तो होता ही होता। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अगर आप लोग ऐसा कुछ डिसाइड भी करें तो डिसाइड पब्लिक करके आप लोग शादियों में चले या जा रहे शादियों में हैं ऐसा तो नहीं नको करना है, जाओ यार, पब्लिक बच्चों को प्लेसेस लेकर में भी नको स्पेशल जाओ, जा रहे तो ऐसी जगह जाओ वहाँ पब्लिक नहीं है जा रहे, मतलब बेजार हो सोच जाते यार। हो जा रहे ज़्यादा सोच कर रहे, न्यूज़ आप फोन ऑन करो बस यही चाह जा रहे इनका ऐसा हो गया, तो पैनिक ये चीज़ों से भी पैनिक हो रहे, थोड़ी चीज़ें इग्नोर करो थोड़ी चीज़ें इग्नोर करो, अल्लाह पे भरोसा रखो और ऐसे चीज़ों को डिलीट कर दो दिमाग से, एंड बस दुआएं करते रहो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहो, वो ऊपर वाला जो बैठा ना वो कुछ तो अच्छा सोचा होगा अपने वास्ते, इसलिए ये सो आ रहे यस कुछ आगे अच्छा होगा अपने पास, यस तो उसके वजह से ये तो सब हो रहा जॉब होगा। आया है लेकिन
जहाँ पे पब्लिक ज्यादा गैदरिंग में रहती है ऐसी जगह जाओ। लाइक हम लोग लास्ट ईयर बताए थे हम लोग कैसे कैसे प्लेस पे गए थे हम लोग पब्लिक में, मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, वैसी जगह जाओ, बिकॉज घर में आप एकदम अब हम लोग भी है ना, हम लोग भी एक किस्म का वो हो जा रहा, बिजार होते हो जा रहा, बिकॉज़ भाई अपन हर कोई जो है ना इंडिया में है तो इंडिया में हैदराबाद बाहर जाते हैं, दावतों में जाते हैं, कुछ भी रहता तो टाइम रखो जाओ बस। और दूसरी ये भी चीज़ है कि भाई हॉस्पिटल्स का अभी भी बुरा हाल चल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा नहीं मिल रहा कोई बोल रहे है लिमिटेड है ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ अवॉइड करो छोटी मोटी चीज़ों को हॉस्पिटल जाना, जो भी रहा घर से कंसल्ट करो डॉक्टर को, घर में रहो, सेफ्टी इज बेटर, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ही आप जाओ, जब तक डोंट वो मेन चीज़ें ला के अपने घर में ज़रूर रखना, एक है थर्मामीटर एक है ऑक्सीमीटर, ये बिकॉज ये चीज़ों से आप मॉनिटर कर सकते हैं जो भी कोविड का जैसा, बिकॉज अभी जो हमारे पास जो एक्सपीरियंस हुआ वी अंडरस्टूड कि ऑक्सीमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मालूम होता है कितने लेवल तक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्मामीटर तो ऑफकोर्स घर में रखना ही रखना है, जहाँ पे फैमिली है इट मेक्स यूजफुल है वो तो ओके, बच्चे भी है सो घर में जरूर रखो, टेंशन नको लियो आप लोग, मास्क लगा लो सही यार, जितनी जबान अपनी चलेंगी उतने ज़्यादा अल्लाह भी नाराज होंगे, ये एक बात, उसलिए अल्लाह अपना मुंह कवर कर दिए, मास्क लगा दिए, मतलब तुम लोग कंट्रोल में बात करो उसके बाद से अल्लाह बोले बंद, अपनों गन में गए तो भी बंद, गैरों गन गए तो भी बंद, मतलब जबान ज़्यादा हो गई आप लोग की तो उसके वजह से ये मास्क निकाले समझो, तो समझ सकते हैं आप लोग मोटे मोटे छोटे छोटे फॉर्मूले समझ सकते हैं अपन अल्लाह के क्या क्या बोलना चाह रहे हैं अल्लाह अपने को, ज़्यादा जबान यूज़ ना करो, ज़्यादा बात दिल जो दिल तोड़ के बात करते, कोई कम कमा रहा तो कोई बेटा कम कमाता, कोई ज़्यादा कमाता, कोई भाई बहन के पास कम पैसे नहीं रहते उसको ज़्यादा नहीं पूछते, कोई कुछ फलाना रहते भाई हर फैमिली में रहते, हर फैमिली में एक एक कुछ तो प्रॉब्लम रहते, तो ना अल्लाह ये सब चीज़ों को आप लोग को सामने दिखा रहे क्या चीज़ है, तो देखो आज हम लोग को आप लोग से कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलना था, हम लोग को दोनों को भी आप लोग से बोलना था ये चीज़, बहुत दिन से भी हम लोग सोच रहे थे, एंड कल के DMs कल मैं एक ब्लॉग में बोली थी ना, तो जिस जिसको वायरस है बोलो और इंशाल्लाह हम लोग दुआ करेंगे बोल के, बस ये एक दुआ करो आप लोग गाइस, हर फैमिली में मोहब्बत बढ़े और पैसों को दूर रख के अपने गुरूर को दूर रख के, बस गाइस ये बोलना चाह रही हूँ मैं हर लोग के वास्ते, आप लोग ज़रूर दुआ करो, तो नामा लेके भी आप लोग दुआ कर सकते गाइस, अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के वास्ते भी दुआ बहुत मेन चीज़ है, इसमें एक असर दिख गया जैसे आप लोग करें मेरे मम्मी के टाइम पे तो मेरे को बहुत वो हो गया, तो दुआ इस सब में ज़्यादा मेन चीज़ है, इंशाल्लाह ज़रूर दुआ में याद रखना मेरे मम्मी को स्पेशली, और बस गाइस फिर मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़, ज़रूर दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह मैं भी दुआ में याद रखूँगी, अल्लाह हाफिज़।